सलामी जोड़ी की गुत्थी सुलझी, ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम से भिड़ने को तैयार है भारत। भारत की सलामी जोड़ी की पहेली का हल निकालने के लिए कप्तान विराट कोहली के आगे आने के बाद टीम इंडिया मंगलवार से यहां ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम के खिलाफ शुरू हो रही 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में घरेलू सरजमी पर अपना शानदार रिकॉर्ड बरकरार रखने उतरेगी। कोहली ने कहा है कि उन्हें बल्लेबाजी क्रम में नीचे आने में कोई हिचक नहीं है, जिससे वह बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। लोकेश राहुल और अनुभवी शिखर धवन दोनों को अंतिम एकादश में जगह मिल सके, उन्होंने कहा है हाँ इसकी संभावना है, ऐसा करने में मुझे बेहद खुशी होगी। मैंने किसी क्रम को अपने लिए तय नहीं किया है, मैं कहाँ बल्लेबाजी करूँ इसे लेकर असुरक्षित नहीं हूँ। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच होने वाली इस द्विपक्षीय श्रृंखला में निजी प्रतिद्वंदिताएं भी देखने को मिलेंगी, जिसमें रोहित शर्मा बनाम डेविड वार्नर तथा कोहली बनाम स्टीव स्मिथ की जंग रोमांचक होगी। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, नवदीप सैनी की मजबूती वाला भारत को तेज गेंदबाजी आक्रामक ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की परीक्षा लेने को तैयार है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के पास आईपीएल के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी पैट कमिंस, केन और अनुभवी स्टार्क जैसे तेज गेंदबाज हैं, जो कि कोहली और उनकी टीम को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एलेक्स कैरी की आक्रामक बल्लेबाज और शानदार विकेट कीपिंग को भारत के ऋषभ पंत से चुनौती मिलेगी। टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में छाप छोड़ने वाले ऑस्ट्रेलिया के युवा बल्लेबाज लाबुसैन अपनी बेहतरीन फॉर्म को छोटे प्रारूप में भी दोहराना चाहेंगे। अगर मौजूदा फॉर्म को मानक माना जाता है तो राहुल इस दौड़ में धवन को पीछे छोड़ देंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीमित ओवरों के क्रिकेट में धवन का रिकॉर्ड शानदार है। दोनों टीमों के बीच एक दिवसीय विश्व कप में पिछले मुकाबले के दौरान धवन ने शतक जड़कर भारत की आसान जीत की नींव रखी थी। हालांकि इस मुकाबले को 7 से अधिक महीने बीत चुके हैं, तब से धवन चोटों से परेशान रहे हैं। धवन इस दौरान खराब फॉर्म में भी जूझते रहे हैं, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ पिछले G20 अंतर्राष्ट्रीय में उन्होंने अर्धशतक जड़ा। विश्व कप के दौरान धवन की मौजूदगी में राहुल काम चलाऊ हल्के तौर पर चौथे नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस क्रम में श्रेयस अय्यर उमदा प्रदर्शन से वानखेड़े स्टेडियम में धवन या राहुल में से एक को ही अंतिम एकादश में जगह मिलेगी। वानखेड़े स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के अनुकूल होती है और भारत पिछले साल मार्च में घरेलू श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-3 की शिकस्त से सबक लेते हुए निश्चित तौर पर 2 कलाई के स्पिनरों के साथ नहीं उतरेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैट्रिक लेने वाले कुलदीप यादव को युजवेंद्र चहल पर तरजीह दी जा सकती है। पूरी संभावना है कि केदार यादव कुछ विशेष नहीं करते हैं तो यह उनकी आखिरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला होगी। चर्चा है कि अपने आईपीएल करियर को बढ़ाने के लिए यादव ऑफ स्पिन गेंदबाजी करने में हिचक रहे हैं, और अगर 19 जनवरी को न्यूजीलैंड दौरे के लिए घोषित होने वाले एक दिवसीय टीम में अगर उन्हें रहाड़े और सूर्य कुमार यादव की दावेदारी को पछाड़ना है तो कुछ अच्छी पारियां खेलनी होगी। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन सा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल आइकन को।